नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी बागवानी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल में जुड़ने वाले नए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आपके लिए आते रहें। तो दोस्तों, विंटर्स में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं हैंगिंग बास्केट के, और वो खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लगते हैं क्योंकि उसमें फ्लावरिंग होती है। लेकिन गर्मियों में हमारे पास इस चीज़ की बहुत ज़्यादा हम लोग कमी महसूस करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज मैं ऐसे प्लांट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगी जो फ्लावरिंग भी करेंगे और आपके गार्डन को खूबसूरत भी बनाए रखेंगे, रंगों से भी भरा रखेंगे, और इजी टू ग्रो प्लांट हैं जिनको आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं और अपने गार्डन को कलरफुल बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा जो प्लांट है वो है वंडरिंग ज्यू, और दोस्तों बहुत कम पानी की इसको ज़रूरत होती है। और देखिए, इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत ही खूबसूरत होती हैं। अगर आप इनको छाया में रखते हैं इस प्लांट को, तो इसकी जो लीव्स होती हैं, देखें यहाँ पर ये इस टाइप से ग्रीनिश हो जाती हैं, और अगर ये फुली धूप में रहता है तो ये देखें ये इस टाइप से ये ज़्यादा ये पर्पल कलर की हो जाती हैं। तो इसी हिसाब से आपको रखना है इनको। अगर आप इसको छाया में भी रखते हैं, कम शेड में भी रखते हैं, तो इसको धूप भी आप दिखाते रहिए, और बहुत खूबसूरत और परमानेंट ये प्लांट होता है। बिल्कुल आसानी से इतनी सी इसकी कटिंग जो है, आप आसानी से कट करके कहीं पर भी पोरस सोयल में लगा दीजिए और ये खूब आराम से ये उग जाता है दोस्तों। और इसको आप देखिए, अभी ख़राब, जैसे ये ऊपर से थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो इसको कट कर दीजिए। और मैंने ये अभी कट करके लगाई थी, हालांकि दिसंबर में, और ये काफ़ी अच्छी चल रही है। तो आप, लेकिन आप इसको कट करके लगा सकते हैं, और बरसात में ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो आप बहुत सारे प्लांट भी इससे बना सकते हैं, तो आप ये भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, हमारा सेकेंड प्लांट है बेबी सनरोज़। ये सक्यूलेंट वेराइटी का प्लांट होता है। इसकी जो लीव्स होती हैं काफ़ी थिकी होती हैं और इनमें वाटर स्टोर होता है, तो इनको भी आप दोस्तों कट करके लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये बिल्कुल अभी कटिंग से ही तैयार प्लांट है, और ये काफ़ी, क्योंकि फरवरी का जो महीना होता है प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ वाला टाइम पीरियड होता है, मॉडरेट जो टेम्परेचर होता है हमारा, उसी के कारण। तो देखिए, ये इसको अभी कट कट करके यहाँ से छोटा सा भी इसका पार्ट ले लें आप, इतना सा भी आप, और बहुत अच्छे से सैंडी सॉइल में इसको लगा दीजिए, तो ये बहुत आराम से ये फैल जाती है दोस्तों काफ़ी। और इसमें रेड कलर के छोटे छोटे और पिंक कलर के जो होते हैं वो बिल्कुल सन की तरह से फ्लावरिंग होती है इसमें, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। तो इसीलिए इसको बेबी सन रोज़ बोला जाता है, छोटे छोटे फ्लावर्स की वजह से, और ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, तो ये भी दोस्तों आप लगा सकते हैं। तीसरा प्लांट है हमारा स्पाइडर प्लांट, और देखिए इसमें भी इस टाइप से ये वाइट कलर की ये फ्लावरिंग होती है, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत सा लगता है प्लांट, और ईजी टू ग्रो है। अभी इसका जो सीज़न है वो बहुत फास्ट ग्रोइंग करने वाला है। और दोस्तों ये देखिए, ये एरियल रूट्स निकली हुई हैं, इन्हीं से आप छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बना सकते हैं कहीं पर भी, सैंडी सोयल में, पोरस सोयल में इनको लगा दीजिए, और बहुत इजी टू ग्रो है ये प्लांट, और बहुत जल्दी फास्ट, देखिए चारों तरफ से इसमें बेबी प्लांट्स ये निकले हुए हैं, इसीलिए इसको स्पाइडर की तरह, इसमें से जो बेबी प्लांट निकलते हैं स्पाइडर प्लांट इसको बोला जाता है। और इसकी जो पत्तियों की खूबसूरती होती है वो बहुत ही प्यारी लगती है, जैसा आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की पत्तियां हैं और वाइट इसकी एजेस होती हैं, तो ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत परमानेंट प्लांट होता है और सालों साल आपके गार्डन में बना रहने वाला है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये बोलिवियन ज्यू का प्लांट है, और देखिए ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और ये टर्टल वाइन की ही एक वेराइटी होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लटकती है, सिर्फ ये ऐसे गोलाकार रूप ले लेती है, और देखिए कितना ज़्यादा ये जो है सुंदर लगती है। और देखिए ये इस टाइप से एक बॉल का रूप ले लेती है, पूरा इसने गमले को पूरा गोल गोल रूप में ये कवर कर लेती है। और अभी ये डोरमेंसी में थे, तो इनको अभी कटिंग करके हम लोग लगाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत लगेगी। और देखिए, सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट प्लांट है वो है एस्पैरागस फर्न, और ये देखिए ये हमेशा, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर सीज़न में ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है। देखिए यहाँ से इसको
आप बहुत कम पानी की इसको ज़रूरत है, और यहाँ से इसको कट करके आप अलग अलग प्लांट बना सकते हैं। इसमें नीचे इसके बल्ब होते हैं तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और इस ये भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इसकी कटिंग कर दी है तो, नहीं तो ये नीचे पूरी जो लटकी होती है तो बहुत खूबसूरत ये लगती है दोस्तों, तो ये भी आप लगा सकते हैं। और दोस्तों ये पोर्चुला का है, पर्सलेन वगैरह तो कॉमन ही होती हैं, इसमें भी कई सारे रंग आते हैं जो आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और ये सभी जो हैं ये डोरमेंस ही में चले गए थे, तो देखिए अभी ये पूरा सीज़न हमने इनको कट कर दिया था सर्दियों में, और अब नई नई इनमें से जो ब्रांचेज हैं वो निकलनी शुरू हो गई है, इनकी ग्रोथ आप देख ही पाएंगे। तो ये भी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लगता है, इजी टू ग्रो प्लांट है। और ये देखिए ये पर्पल हार्ट है, और इसमें बहुत खूबसूरत से ये पिंक कलर की फ्लावरिंग होती है दोस्तों। अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, लेकिन अभी इनमें चल रही है फ्लावरिंग, यही सीज़न होता है इसकी फ्लावरिंग का। और ये भी मैंने पूरा कट कर दिया था, तो डोरमेंसी में होता है ये भी सर्दियों में, लेकिन हमेशा ही आपके गार्डन में बने रहने वाला ये प्लांट होता है। बहुत खूबसूरत लगता है ये भी प्लांट, क्योंकि इसकी लीव्स देखें कितनी प्यारी होती हैं, पर्पल होती हैं। तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल इजी टू ग्रो प्लांट होता है ये, सबसे ज़्यादा आसानी से उगने वाला प्लांट है। और ये देखिए फिलोडेंड्रोन बेसिल का प्लांट है, इसकी लीव्स बहुत ही प्यारी होती हैं, तो ये भी आप लगा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये मैंने इनको पीछे कर दिया था, तो अभी ये बहुत आसानी से इसकी जो ये बेसिल सूट्स रूट होती हैं इनको आप कट करके आसानी से, ये देखिए इसमें ग्रोथ भी शुरू हो गई है क्योंकि इनका सीज़न शुरू हो गया है। तो ये यहाँ से कट कर देंगे आप, हर एक नोड से एक एक प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ ये नए प्लांट जो निकल रहे हैं इनको आप कट करिए सीधा ज़मीन में, बिल्कुल आसान तरीका होता है इसका, सिंगोनियम की तरह। और ये देखिए यहाँ पर ये मैं छेड़ना नहीं चाहती हूँ यहाँ इस प्लांट को, ये जो है हमारी गोल्डन पोथोस है, और देखिए ये पूरी लटक गई है, ये पिछले साल मैंने आपको दिखाया था, बहुत खूबसूरत और बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। इसको इसलिए नहीं छेड़ना चाहती हूँ क्योंकि आप देख पाएंगे कि इसमें चिड़िया ने जो है ये घोंसला बनाया हुआ है, और इसमें कई सारी फैमिलीज हर साल आती हैं जो बच्चे देती हैं। ये देखिए ये सभी अभी गर्म सर्दियों में जो थे ये डोरमेंसी में थे, ये एंजॉय पोथोस हैं, इनकी पत्तियाँ देखिए सूखी हुई हैं, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ। और देखिए अभी इनका ग्रोइंग पीरियड जो है शुरू हो गया है, ये नई नई ब्रांचेस शुरू हो गई हैं आनी, तो ये भी बहुत ही सुंदर सा लगता है। मार्बल क्वीन लगा सकते हैं आप, नॉर्मल जो आपके पास जो भी अवेलेबल हो पोथोस में, मनी प्लांट में जो भी वेराइटीज़ आपके पास अवेलेबल हों वो आप आसानी से लगा सकते हैं। और ये देखिए ये बोस्टन फर्न की वेराइटी है, यहाँ पर ये बोस्टन फर्न लगी हुई है, इसको आप ग्रिल प्लांटर में हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत प्यारा सा लगता है, तो इसको भी दोस्तों आप आसानी से लगा सकते हैं। और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट हैं ये, बस मॉइस्चर लविंग प्लांट होते हैं, तो गर्मियों में ये देखिए इनकी ग्रोइंग पीरियड अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए नई नई ब्रांचेज इनमें से निकलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि फरवरी का जो महीना होता है वो प्लांट का सबसे ज़्यादा ग्रोथ का पीरियड होता है, ग्रोथ का महीना होता है सभी प्लांट के लिए, तो ये सब आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और दोस्तों ये है स्वीट पोटैटो वाइन, बहुत तेज़ गर्मियां जब होती हैं हमारे गर्मियों में तो आंखों को ये कलर बहुत ज़्यादा सुकून देता है, हरियाली देता है, और ये भी इजी टू ग्रो है, ज़रा सी कटिंग भी आप इसकी लगा सकते हैं कट करके। और ये देखिए इसमें ये एक ही पर्पल कलर आता है, तो ये मिक्स एंड मैच करके जब आप लगाते हैं तो बहुत ही प्यारा सा ये लगता है। और एक तीसरा कलर दोस्तों इसमें ये आता है, देखिए ये वेरीगेटेड है, सबसे सुंदर लगता है ये, बहुत प्यारा सा लगता है। और ये सभी दोस्तों अभी डोरमेंसी में हैं सभी प्लांट, अब इनका ग्रोइंग पीरियड शुरू हो गया है, तो कट करके हम आसानी से इनको कहीं से भी लगा सकते हैं, कहीं से आप छोटी सी कटिंग ले आइए, छोटी ख़रीद भी सकते हैं आप, ये बहुत ज़्यादा महंगे प्लांट नहीं होते हैं। और देखिए ऑल्टरनेंथ्रा ये प्लांट है, रेड कलर की इसमें इसकी पत्तियाँ होती हैं, क्योंकि अभी सर्दियों में इसकी पत्तियों का जो साइज़ है वो छोटा हो गया है, छोटी छोटी पत्तियां हैं इनमें, लेकिन गर्मियों में अभी ये पत्तियां बड़ी हो जाएंगी। और देखिए ये इस टाइप से नीचे ये लटक जाता है, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत सा लगता है। ये चाइनीज़ वॉलेट का प्लांट है, और देखिए इसमें फ्लावरिंग भी होती है, अगर आप इसकी मैंने वीडियो भी बनाई है तो आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। और देखिए इसमें कलियाँ आई हुई हैं पर्पल कलर के, बहुत प्यारे से इसमें फ्लावरिंग होती है यहाँ पर, ये देखिए। तो इसकी अभी मैं कटिंग कर दूँगी क्योंकि अभी ये ज़्यादा
दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थी तो इसमें फ्लावरिंग रुक गई है, तो अब इसकी फ्लावरिंग फिर से शुरू हो जाएगी और काफ़ी बहुत खूबसूरत इसकी पत्तियाँ लगती हैं, ग्रीन और वाइट का जो कंट्रास्ट होता है। और ये देखिए, ये ट्रायंगल हार्ट है, ये एक सक्यूलेंट वैरायटी का प्लांट होता है ये, और बहुत खूबसूरत सा होता है ये भी, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है आसानी से। बहुत अच्छी सी इसको सैंडी सोयल में आप लगाइए, क्योंकि ये सक्यूलेंट वैरायटी है, बहुत कम केयर की, पानी की इसको ज़रूरत होती है। तो ये अभी मैंने जो हमारी एक यूट्यूबर फ्रेंड है मंजू श्रीवास्तव, उनसे ये मांगा था, तो उन्होंने हमें ये गिफ्ट किया है, तो मैंने इसको रिपोर्ट किया है अभी कल ही अच्छी सी खाद डाल के, तो ये अभी फिर से ये ग्रोथ ले लेगा। और ये देखिए, ये होता है, ये एनुअल जो वर्बीना होता है वो होता है, ये सालों साल चलता है, और इसमें पिंक और वाइट और पर्पल कलर के कई कलर आते हैं, और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और बिल्कुल तेज़ दिल्ली की जो गर्मी होती है उनको सहन करने वाला ये प्लांट है, और बहुत खूबसूरत सी फ्लावरिंग इसमें होती है दोस्तों। तो देखिए इस टाइप से आप, ये देखिए मैंने खाने के डब्बे में स्पाइडर प्लांट को इसमें कट करके लगा लिया है, तो देखिए ये पूरा भर गया है इस टाइम। तो इसको जब मैं किसी भी हैंगिंग प्लांट में शिफ्ट करूँगी तो हमारी जो हैंगिंग प्लांटर है वो पूरा भर जाता है, और फ्री में एक हैंगिंग बास्केट हमारी तैयार हो जाती है। ये वंडरिंग जू है, इसकी कटिंग मैंने लगाई है, तो इस टाइप से भी आप छोटे छोटे गमलों में भी इनकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। और ये देखिए, एक ये प्लांट है, ये हमारा टर्टल वाइन है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत गर्मियों में जो प्लांट लगता है ये वो है, और छोटी से छोटी इसकी अभी मैंने ये पूरी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पूरी ज़मीन तक ये लटक गई थी, तो इसको मैंने पूरा कट कर दिया है, और अब देख पाएंगे आप, ये देखिए बिल्कुल ये एकदम मर जाती है, सूख जाती है सर्दियों में, डोरमेंसी में चली जाती है, लेकिन अब इसमें नई नई पत्तियां जो हैं आनी शुरू हो गई हैं। तो इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी, ज़रा सी कटिंग भी आप लगाएंगे तो भी वो पूरे ग्राउंड कलर कवर के रूप में भी आप इसको लगा सकते हैं, और पूरा फैल जाती है ये छोटी से छोटी कटिंग भी बरसात में, तो बहुत तेज़ी से ये बढ़ती है। एक ये वडेलिया प्लांट है हमारा, जो आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी मैं कहीं से कटिंग लाई हूँ, तो ये देखिए ये मैंने कटिंग लगाई हुई है, तो छोटे छोटे गमलों में हम ये कटिंग लगा सकते हैं, और इन्हीं से, क्योंकि अब ग्रोइंग पीरियड है इनका, तो छोटी छोटी कटिंग से ही हम और कटिंग से इनकी तैयार कर सकते हैं, तो ये भी हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये है, ये फोक्सटेल फर्न है, और ये मैंने हैंगिंग बास्केट में ही लगाई हुई है, तो देखिए काफ़ी खूबसूरत सी ये भी लगती है, और ये तो एवरग्रीन रहने वाली है, परमानेंट ये प्लांट होता है। और इसके साथ देखिए, ये मैंने पर्पल हार्ट लगाया हुआ है, तो पर्पल हार्ट ये देखिए इस टाइप से मैंने चारों तरफ इसमें, तो ये पर्पल और ग्रीन का जो कंट्रास्ट बनेगा तो बहुत ही प्यारा सा ये कंट्रास्ट बनेगा, तो इस टाइप से आप भी ये सभी प्लांट लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको 15+ हैंगिंग बिल्कुल इजी टू ग्रो प्लांट मैंने आपको दिखाए हैं आज, जो आप अपने हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से, क्योंकि यही टाइम पीरियड होता है हमारा जब हमारे सर्दियों के जो प्लांट होते हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और हमें गर्मियों के लिए भी तैयारी करके चलनी है, तो ऐसे में आप छोटे छोटे गमलों में इनकी कटिंग्स लगा सकते हैं, ताकि आप आसानी से इन फ्यूचर, जैसे ही आपका सर्दियों का गमला खाली होता है, हैंगिंग बास्केट खाली होती हैं, तो आप उनमें उनको ट्रांसफ़र कर दें, तो ऐसे में आपके गार्डन में हमेशा ही ग्रीनरी बनी रहेगी, हमेशा प्लांट बने रहेंगे, खूबसूरती बनी रहेगी। तो इस आई होप कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।